मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, पंचायत प्रतिनिधियों ने बीजेपी के पैसे, पुलिस और प्रशासन का मुकाबला करते हुए चुनाव जीता है। वैसे भी बीजेपी के पास आज केवल पुलिस, प्रशासन और पैसा ही बचा है। जनता ने बीजेपी से दूरी बना ली है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों को सुना। पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन पर कमलनाथ ने कहा, ये हमारे बुनियादी जनप्रतिनिधि हैं। इन्होंने कठिन परीक्षा से चुनाव जीता है। बीजेपी के पैसे, पुलिस और प्रशासन के बाद भी इन्होंने चुनाव जीता है। बीजेपी के पास आज केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन ही बचा है। ये जनप्रतिनिधि हमारे सबसे बुनियादी जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उनका आज सम्मेलन है, जिन्होंने कठिन परीक्षा से चुनाव जीता है बीजेपी के पैसे, प्रशासन और पुलिस के बावजूद। तो मुझे उन्हें बधाई देता हूँ। बीजेपी के पास आज केवल पैसा, पुलिस और प्रशासन बचा, तो मैं इनकी भी बात सुनना चाहता हूँ, इसलिए ये सम्मेलन। करनी सेना के प्रदर्शन को कांग्रेस और कमलनाथ ने अपना समर्थन दिया है। कमलनाथ बोले, मैंने समर्थन किया है कि सरकार इनकी बातों को सुने, जो मांगे पूरी हो सकती हैं उन पर सरकार बातचीत करे, इन्हें दबाने और भड़काने से कुछ नहीं होगा। जो मांगे हो सकती हैं उस पर सरकार बैठकर बातचीत करे, कांग्रेस उनके साथ है, सरकार बनने के बाद हम उनकी जायज मांगों को पूरा करेंगे। मैंने समर्थन किया है कि ये करनी सेना की बात पूरी तरह सुनी जाए और उन्होंने जो मांगे रखी हैं उसमें से जो मांगे हो सकती हैं ये सरकार बैठ के सुने। उनको दबाने से, उनको भड़काने से थोड़ी ना होगा। बिल्कुल, हम सबके, हमारी हमेशा नियत रही है और नीति है कि सबकी बात सुनो और जो उचित हो वो करो। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट पर कमलनाथ ने कहा, पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में कितना निवेश आया ये सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए, मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन सच ये है कि सम्मेलन करने से निवेशकों में विश्वास नहीं बनता। 18 साल में क्या निवेश आया मध्य प्रदेश में, ये आंकड़े सब जानते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापे हैं, ये विधानसभा में जवाब है कि जो 6500 पहले प्रस्ताव हर इन्वेस्टमेंट समिट में जो घोषणाएं होती हैं, कितनी फर्जी हैं और कितनी सही निकली। तो इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए, इसका मैं स्वागत करता हूं, पर एक विश्वास जब तक उनमें ना हुए। सम्मेलन करने से विश्वास केवल नहीं बनता, समिट तो इवेंट होता है, पर निवेश तब आएगा जब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मध्य प्रदेश पर विश्वास हुए। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। दक्षिण में जिसको सामान बेचना है वो उत्तर में अपने कारखाने लगाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में की पहचान में केवल भ्रष्टाचार है, ऐसे नीति है जिसका क्रियान्वयन नहीं होता। 50 पेज की नीति बना लीजिए, 100 पेज की नीति बना लीजिए, पर अगर आपकी मन मंशा और नियत ना हुए तो कोई निवेश नहीं आने वाला। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।